बहुत वर्षों से हजारीबाग में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान हजारीबाग में नहीं हुआ, तो हम चाहेंगे उस तरह का कुछ मास्टर प्लान हो, एक बड़ा प्लान और एक बड़ा योजना चाहिए धरातल पर उतारने के लिए, तभी हजारीबाग में कुछ चेंजिंग हो सकती है। अगर हम किसी के लिए कुछ काम कर सके तो इससे बेहतर नहीं लगता। और राजनीति में जिस तरह कोट पहन के, कुर्ता पहन के, बंडी पहन के लोग करते हो, वो सब हमको शायद अच्छा नहीं लगता, और हमें लोगों को सेवा करना ही अच्छा लगता है। और ये मेरा निरंतर चल रहा है, मैं राजनीति में था तब भी, नहीं हूँ तब भी और रहूंगा तब भी। जो हेमंत सरकार है उनका टीम वर्क अच्छा नहीं है, हेमंत जी खुद अच्छे इंसान है लेकिन जो उनकी टीम है, जो उन्हें धरातल पे काम उतारना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर एक खास मेहमान है जो हजारीबाग से आते हैं, प्रदीप प्रसाद। इनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये लंबे समय से जनता की सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं और इन्हें रात को 12 बजे भी कॉल जाए तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं सेवा में। ऐसे में क्योंकि साल के अंतिम में झारखंड विधानसभा का चुनाव भी होना है और ये हजारीबाग से भावी प्रत्याशी भी हैं और जनता की डिमांड भी है, तो ऐसे में हमारे साथ प्रदीप प्रसाद जी हैं। सबसे पहले सर आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। प्रदीप प्रसाद आज हजारीबाग में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोगों की जुबान पर आपका नाम रहता है। अगर कोई समस्या हो ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर देखा जाए तो प्रदीप प्रसाद को लोग याद करते हैं। आपने कैसे ये छवि बनाई है और कितना संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए? देखिए, जब हम लोग स्कूल के टाइम में भी थे और कुछ गरीब लोग असहाय लोग आते थे और अगर उनको मदद हम लोग कर पाते थे, दोस्त लोग अपना पॉकेट खर्चा से भी लोगों को जान बचाने का, दवाई देने का, अस्पताल में उनके लगे खड़े रहने का, इस तरह का हम लोग प्रयास करते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है कि किसी गांव में हम लोग कोई कार्यक्रम के लिए जाते हैं और कुछ लोग आ ही जाते हैं हर गांव से, हर टोला से, कि भाई आपके चलते मेरा बेटा बचा है, आपके चलते मेरी माँ का जान बचा, आपने हमको ये किया, तो संतुष्टि होती है और ये पॉजिटिव थिंकिंग है राजनीति का। अगर हम किसी के लिए कुछ काम कर सके तो इससे बेहतर नहीं लगता। और राजनीति में जिस तरह कोट पहन के, कुर्ता पहन के, बंडी पहन के लोग करते हो, वो सब हमको शायद अच्छा नहीं लगता, और हमें लोगों को सेवा करना ही अच्छा लगता। और ये मेरा निरंतर चल रहा है, मैं राजनीति में था तब भी, नहीं हूँ तब भी और रहूंगा तब भी। देखिए आप, क्योंकि जनता की सेवा आप लगातार करते आए हैं लेकिन फिर लोगों की डिमांड हुई कि नहीं आपको एक मंच पर आना चाहिए, उससे आपको सहायता मिलेगी, तो ऐसे में आप पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बहुत ही शानदार नंबर भी आता है, भले ही आप दूसरे नंबर पर आते हैं लेकिन ये भी एक इतिहास रहा है हजारीबाग के लिए। बीजेपी में है फिलहाल आप, तो ऐसे में आने वाले झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसमें हजारीबाग को लेकर के प्रदीप प्रसाद खुद को किस रेस में देख रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि हम किस रेस में हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी तय करेगी कि किन्हें हम देना चाहिए, और हमें लगता है शायद पार्टी हमें पसंद करे और हम चुनाव लड़े और रिकॉर्ड वोट से हम भारतीय जनता पार्टी को जीत के ये चुनाव दे। पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? जनता की डिमांड थी तब आप चुनाव लड़े थे और आपने बताया भी कि किस तरीके से लोग आगे आकर ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं, छोटी छोटी बच्ची जो है वो अपनी गुल्लक लेकर आ रही थी कि प्रदीप भैया आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ, आपकी सहायता कर रही थी, वो भी एक एक्सपीरियंस था जो आपको लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर। बहुत ही इमोशनल चुनाव था, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था लेकिन जनता का जो प्यार मिला वो अप्रत्याशित था, और जनता का जो मेरे प्रति इच्छा है कि ये आए और हमको कुछ बेहतर करके दिखाएं, इसीलिए राजनीति में बने हुए, और इस बार शायद जनता का जो इच्छा है उसको मैं पूरा कर पाऊं और खरा उतरूं, 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत लाएं, ये मेरा सोचना है, और शायद अगर पार्टी मौका देगी तो 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत हजारीबाग में आएगा, ये मेरा मानना है और ये मैं करना चाहता हूँ। हजारीबाग के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या देख पाते हैं? देखिए, छोटा शहर है, आज यहाँ स्वास्थ्य का समस्या सबसे ज्यादा है, एजुकेशन, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर हजारीबाग में नहीं के बराबर है। बहुत वर्षों से हजारीबाग में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान हजारीबाग में नहीं हुआ, तो हम चाहेंगे उस तरह का कुछ मास्टर प्लान हो, एक बड़ा प्लान और एक बड़ा योजना चाहिए धरातल पर उतारने के लिए, तभी हजारीबाग में कुछ चेंजिंग हो सकती है। हजारीबाग में एक बड़ी समस्या है जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, इसको लेकर के हजारीबाग कहीं ना कहीं बदनाम भी होता है सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के,
इसको किस तरीके से आप देखते हैं हजारीबाग में, और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रदीप प्रसाद के पास क्या विजन? देखिए, दोनों समुदायों को मेरे प्रति काफी आस्था है, और अगर हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो लगता है जिस रास्ता में लोग जाने के लिए लाठी डंडा का सहारा करते हैं उसमें फूल बिछा के लोग स्वागत करेंगे, और एक बार क्या सैकड़ों बार भी लोग सोचेंगे इस रास्ता से आ जाए, तनिक भी कुछ नहीं हो सकता, सोचने का सिर्फ समस्या है। अगर बढ़िया सोच के साथ, बढ़िया नियत के साथ अगर कोई काम किया जाए शिद्दत से तो निश्चित तौर पे पूरा होगा। पार्टी का कितना सहयोग मिल रहा है प्रदीप प्रसाद? देखिए, पार्टी का बढ़िया जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी प्यार करते हैं हमसे, और निश्चित तौर पे हमें सहयोग तो हमेशा ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा प्यार हमी को मिलता है, लोगों को उनके प्रति जो मेरा विश्वास है वो हमेशा बना हुआ है। क्या लग रहा है ये प्यार सम्मान के रूप में मिलेगा? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। कोई और ऐसे प्रत्याशी आप देख पा रहे हैं? नहीं, उस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि शायद हमी को मिलेगा। और समय से आप भी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर प्रदीप यादव, माफ करिएगा, प्रदीप प्रसाद अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो तीन विजन आपके पास वो क्या होंगे, जो एक गंभीरता होगी, मतलब जो गंभीर मुद्दा होगा हजारीबाग के लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा स्वास्थ्य का होगा, और अगर सरकारी पहल से मैं कर पाऊँ, बड़ा अस्पताल जो हजारीबाग में एम्स के तर्ज पे अस्पताल बनना था वो नहीं बन पाया, अगर नहीं होगा तो मैं प्राइवेट लोगों के सहयोग से मैं बनाऊंगा। शिक्षा के लिए हजारीबाग में विश्व स्तर का यूनिवर्सिटी, नहीं तो कम से कम राष्ट्र स्तर का तो यूनिवर्सिटी हजारीबाग में बनना ही चाहिए, और जो पलायन यहाँ से हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, उसके लिए मेरा अथक प्रयास होगा कि यहाँ उस तरह का बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आए और हम ये काम कर पाए। क्योंकि हम मीडिया वाले हैं तो जब हमारे बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो ये सवाल भी होता है, क्योंकि अब साल के अंतिम में चुनाव होने हैं, तो वर्तमान में जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं, 5 साल में उन्होंने कैसा काम किया है, इसको लेकर के आप क्या? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो हेमंत सरकार है उनका टीम वर्क अच्छा नहीं है। हेमंत जी खुद अच्छे इंसान है, लेकिन जो उनकी टीम है, जो उन्हें धरातल पे काम उतारना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता, जो 5 साल में विकास होना चाहिए निश्चित तौर पर नहीं हो पाया है, अगर अच्छा टीम वर्क हेमंत जी को मिलता तो शायद वो कर पाते। सर, भविष्य के लिए आपको एसटी न्यूज की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर अगले इंटरव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो हमारे साथ इस वक्त हजारीबाग से विधानसभा के भावी प्रत्याशी थे प्रदीप प्रसाद, जिन्होंने बताया कि वो जनता की सेवा के लिए सालों से लगे हुए हैं और पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो बढ़ चढ़ कर हजारीबाग की जनता का सेवा करेंगे और जो समस्याएं हैं उसे खत्म करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।